टाइगर के ने पंजा मारा था और ये इनके जबड़े पे मारा था, यहाँ की हड्डी तोड़ दी थी। अब ये तो झाड़ तो झाड़ी में छुप कर रहे थे। यहाँ से स्लॉथ बियर ने इनको काटा था और इनका मांस खा लिया था, सर पूरा खा लिया था। और यहाँ से अभी हाल ही में टाइगर ने अटैक किया था इनके हाथ पर और इनके यहाँ पे जबड़े पर। सो गाइस अभी हमारे साथ चिंटू भैया है, तो चिंटू भैया को आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा था और ये बांधवगढ़ के बहुत फेमस ड्राइवर भी है और गोलू भाई भी बांधवगढ़ के ही ड्राइवर है। तो अभी तो फिलहाल तो आप ये देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे सामने, आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे कैटल्स हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे आउटस्कर्ट के यहाँ पे भी चराने के लिए ले आते हैं और अभी कुछ देर के बाद ये सारे जंगल के बफर जोन के वहाँ पे भी चले जाएंगे। आप जो देख रहे हो ये है कितौली जोन, कोर जोन है। बस यहाँ पे एक छोटे सा फेंसिंग डाल रखा है, ये बस नाम के लिए फेंसिंग है। टाइगर्स और लेपर्ड इजली यहाँ से छलांग मार के निकल आते हैं। पूरा जंगल का नॉन टूरिज्म एरिया है। बस नीचे देख रहे हैं कोई पग मार्क दिख जाए। अगर टाइगर उठा के लेके भी जाएगा ना किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं, बाद में पता चलता है, बाद में पता चल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कौन है यहाँ पे, कोई बंदा तो है नहीं यहाँ पे। अगर टाइगर अटैक भी करता है तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पतौर गांव में, जहां पे हाल फिलहाल में जो टाइगर ने अटैक किए थे, उन सज्जन से बात करने के लिए कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे वो टाइगर के अटैक से बच पाए। सर आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? शंकर भैगा। शंकर भैगा जी, जी। आप यहां पे गांव में बचपन से इसी गांव में रहते हो? जी पतौर गांव में। पतौर गांव में। आप पे बाघ ने आप पे हमला किया था? जी। ये आप कुछ बता पाएंगे ये कब हुआ था हमला आपके साथ? 2023 मतलब इसी साल हुआ है? जी। अच्छा इसी साल आपके साथ ये घटना हुई है? जी। जब टाइगर ने आप पे अटैक कर दिया था? जी। घटना कहाँ पे हुई थी? एक खेत के ऊपर सर बाग में। अच्छा ये आप मतलब क्या गाय चराने के लिए गए थे? बकरी चराने के लिए गए थे? जी। अच्छा ये सुबह के टाइम पे आप गए थे? जी। क्या समय हो रहा होगा जब आप यहाँ से गए थे? सर 9:30 निकले, 10 बजे के काम है झपेटने वाला। 10 बजे की ये वाक्य बता रहे हैं जब टाइगर ने अटैक किया था। तो मतलब आप अक्सर अपने बकरी को चराने के लिए जाते होंगे? जी। कितने साल से आप जा रहे हो ऐसे बकरी चराने के लिए? सर बकरी चराने कम से कम 10-12 में चार। तुम कहने का मतलब 12-15 साल से, काफ़ी साल से ये अपने गाय बछड़े या यहाँ के लोग बकरी चलाने के लिए आसपास के जंगलों में चले जाते हैं। जी। तो ये जो आपके साथ हादसा हुआ था ये कितनी दूर हुआ था आपके घर, आपका घर यहाँ पे यहाँ से कितनी दूर हुआ था? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी में ये हादसा आपके साथ हुआ था? जी। जब टाइगर ने आप पे अटैक कर दिया था? जी जी। कौन से जंगल की तरफ गए थे आप? पीड़ताल। कौन सा? पटरताल वाले जंगल की इस तरफ गए थे। जी। ठीक है तो मतलब ये अभी बफर एरिया ही है ना, ये गांव जो है ये बफर जोन में आता है दोस्तों। और कई बार यहाँ के गांव के लोग, ये सर है और कई सारे लोग हैं जो अपने गाय बछड़ों को लेके चराने के लिए, आपने रास्ते में देखा ही था कि काफ़ी मतलब ऐसे सुनसान सा जंगल है, तो वहाँ पर जाते हैं कई बार चरवा छोड़ देते हैं, अपना चरते हैं और वापस आ भी जाते हैं यहाँ पे। 9-10 बजे के गए, 6 बजे आएंगे सर चरवा, अपना पा जाते हैं। जी। अच्छा तो ये जब आपके साथ हुआ ये घटना हुआ, ये जंगल में आप बकरी चलाने गए थे, तब टाइगर आपको कैसे दिखा और ये कैसे हुआ अटैक, अब चलो बता पाएंगे? रास्ते रोड जाते रहे, रोड टाइगर गया और घुस गया ऐसे, और घुस के छिप गया, ऐसे बकरी लेके जाते थे हम, नहीं देख पाए, पास में पहुंच गए तक दिखा,
देखा तो मैं यहाँ तो टाइगर है, टाइगर का नाम लिया किसी का, वो चटके वहाँ फेंक दिए। तो मतलब जब आप बकरी चला रहे थे, क्या वो टाइगर आपकी बकरी पे घात लगा रहा था? नहीं लगाया था। नहीं? हाँ। तो उसका शिकार बकरी नहीं था, आप थे? हाँ, वो मेरे को बकरी के आगे मैं रहा, मेरे से वो लखात हुआ, वो मेरे इनको झपेटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये बकरी चला रहे थे तो ये आगे थे, आप आगे थे, आपकी बकरियां पीछे थे, है ना? तो आपके सामने अचानक से टाइगर आ गया, टाइगर या आ गया। आप अचानक से आ गए, मैं कहूँ सही कहूँ तो? हाँ। क्योंकि टाइगर तो आपको देखे छिप गया होगा, अपने आपको दबा दिया होगा, ठीक है? आप अचानक से टाइगर के पास आ गए होंगे और टाइगर ने आप पे हमला कर दिया। जी जी। जब ये आपके साथ ये घटना हुई थी, आपके साथ कोई और भी था? हाँ, मेरे भाई था सर। आपके भाई भी थे? जी। तो टाइगर ने जब आप पे हमला किया तो कैसे छुड़ाया आपने, मतलब कैसे टाइगर आपको छोड़ के कैसे गया? वह लगते नहीं सर, वो खेची और भगते भागा। आपको खींचा उसने? हाँ, ऐसे खेच के भगते भागा, ये फेंक के चला गया, वो फिर दोबारा नहीं लौट के आया। पंजा मार के निकल गया। निकल गया, नहीं लौटा। काफी खून बहा होगा? खून तो ये पूरा हड्डी निकाल दिया था, ये पूरा हड्डी निकाल दिया था इनका। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ की जो हड्डी तोड़ रखी है, यहाँ पे तो पंजा मारा था टाइगर ने आपको, ठीक है? यहाँ पे भी पंजा मारा है, यही पंजा कहा है सर, ये पंजा मारा है। दांत गाड़े कहीं? दांत नहीं लगाया, पंजा थे। अच्छा, पंजा गाड़ा है ना? पंजा। अच्छा, तो आप तो खून में लथपथ होंगे, पूरा आपके शरीर से खून बह रहा होगा, तो फिर आप आए कैसे, मतलब क्या आपको उठा के कोई लेके आया? नहीं, वहाँ से भागा, फिर खून करी, पैदल ही आ गए। खेत से 2-3 किलोमीटर आगे किया था ये घटना। घटना हुई थी, मतलब ऐसे हालात में जब टाइगर ने अटैक किया हुआ है और पूरे बॉडी से खूनम खून हो रहा है, तो ऐसे हालात में भी चल के आ गए? जी यार, इनकी हिम्मत को दाग देना पड़ेगा यार, ऐसी हिम्मत को तो दाग देना पड़ेगा कि ऐसी घटना होने के बाद भी इन पे इतनी हिम्मत है कि वहाँ से इतनी दूर 2 किलोमीटर अपने घर वापस आ जाए। फिर सर जंगल विभाग की गाड़ी आई, सूचना दिया गया। अच्छा। जंगल विभाग की फिर आई गाड़ी, फिर हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया। आप कितने दिन अस्पताल में थे? 1 हफ्ता रहा सर। 1 हफ्ता रहा। अब दर्द तो रहता होगा? दर्द होता है सर, यहाँ भी दर्द होता है। यहाँ पे आपके सर पे दर्द रहता है? जी, एक ही दर्द करता है कहीं कहीं यहाँ। इसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो? हाँ, लेते हैं, जब दर्द होता है तो लेते हैं गोली। वैसे अब मतलब ये जख्म के डॉक्टर साहब ने आपके इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ दी होगी? जी। वो आप नहीं लेते? अब नहीं लेते, जब वर्षा होता है तब लेते हैं। अच्छा, मॉनसून सीजन में या क्लाइमेट जब चेंज होता है तब इनके बॉडी में अलग से इफेक्ट्स रहते हैं, तो दर्द रहता है इनको। जी जी जी। अच्छा, ये मुंह में कैसे हुआ? ये वाल खाया था, रीच वाल। ये क्या खाया? ये 2005 में वाल खाया था। माय गॉड गाइस, आप अभी तक मैं ये समझ रहा था ये टाइगर का अटैक है, टाइगर का अटैक ये है। क्लोज गोलू, क्लोज, दोनों क्लोज आ जाओ। टाइगर का जो आप अटैक है वो ये है और ये है, और ये जो चेहरे पे आप देख रहे हो ये स्लॉथ बियर का अटैक है। भालू मारता है, पूरा फाड़ देता है। ऐसे अटैक्स हमने कई बार देखे हैं और जीते जागते सबूत हमारे सामने अभी बैठे हैं, और आप देख सकते हो कि भालू ने कितना डैमेज किया इनका चेहरा। ये काफ़ी पुरानी बात है मेरे ख्याल से, 2005 की बात है जब स्लॉथ बेयर ने, भालू ने इन पर अटैक किया था। लेकिन हुआ क्या था उस दिन, कहाँ की बात है ये? ये खेत का बात है सर। सेम स्पॉट पर जहाँ पे टाइगर ने अटैक किया था वहीं पे स्लॉथ बियर ने भी इन पर अटैक किया था 2005 पे, जो ये मुंह का जख्म आप देख रहे हो। तो आप उस टाइम पे भी बकरी चराने के लिए गए थे? नहीं, खेत गए थे। आप खेत गए थे, खेती करते थे वहाँ पे? वहाँ खेती होता था सर। तो भालू आपको कैसे दिखे, सुबह का टाइम था ये? 8-9 का टाइम था, सुबह 8-9 बजे का टाइम था जी। और खेत में आप काम कर रहे थे तभी भालू आ गया आपके सामने। क्या हुआ था भालू का, दूर से दिखा आपको? दूर से नहीं दिख पाया सर, वही भी लुका था पीछे खीरा जैसे, वैसे वो लकट पड़ी रास्ते की खेत के बगल में, नहीं दिखा सर, वो पास में था वो कूद करा। तो मतलब कहने का मतलब खेत में जो खेती मतलब इनकी झाड़ियाँ थी वो काफी बड़ी होगी जिस कारण से आपको दिखा नहीं होगा। जी जी जी। जाते जाते खेत पहुँचे कि खेत, ये खेत आया ऐसे, अगले वहाँ गाड़ी खड़ा है ऐसे पास है, वहीं
गया कि वो नकर कर। तो मतलब जैसे खेत पे वहाँ पे अपनी खेती करने गए थे तो वहीं पे एक भालू जो है वो झाड़ियों के अंदर था। जी जी। आपने देखा नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही आप उसके नजदीक गए उसने आप पे अटैक कर दिया। अटैक कर दिया। तो उसने क्या खाया, मतलब क्या पंजा मारा, क्या किया? वो पूरा खाया था सारे, पूरा यहाँ नसी काट दिया था यहाँ। ये आप देख रहे हो गाइस, ये भालू ने खाया है। यहाँ पे मांस जो है पूरा खत्म है, यहाँ का मांस बिल्कुल है नहीं। ये दांत के निशान है और यहाँ पे ये जो चेहरा जो है पूरे यहाँ, ये सर पूरा आप देखोगे गाइस, बैक से दिखाओ तो ये सर भी खाया हुआ है। सर का पोर्शन जो है ये आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल स्टिचेस लगे हैं, यहाँ पे बहुत स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे। और ये जो मुंह का साइड जो है ये खा लिया था, पूरा खा लिया था सर, यहाँ से पूरा धवन था, यहाँ रेसा ना हुआ, यहाँ के काट के ऐसे जबलपुर में, वहाँ तो महीना डेढ़ महीना रहा हूँ जबलपुर में यादारी। तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक हादसा था, ये तो मेरे ख्याल से टाइगर से बड़ा हादसा हुआ है जो इनके सर, इनके जो चेहरे और इनके सर पे हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस दिन आपके साथ ये थे जब भालू ने अटैक किया था, तो क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बता पाएंगे आप मुझे? अब मैं थोड़ी दूर रहा, अभी मैं थोड़ी दूर रहा, अब देख नहीं पाए, झाड़ी में हाँ, झाड़ी है, बड़े बड़े झाड़ हैं, अब ये तो झाड़ है तो झाड़ी में छुप कर रहे थे, अब जान नहीं पाए, आगे कूद पारा, जब कूद पारा तब फिर भाल चिल्लाने, तब दौड़े हम, अब दूध उठे भाल, हमारी हिम्मत घट गए, फिर उगाऊ दौड़ी, तब फिर अपना फिर आपने शोर मचाया क्या? हाँ, शोर मचाया तब दौड़ी ना, तब फिर बचाई, जब दौड़ मचाया तब अगल बगल के जौन रहा वो दौड़ पारे किसान लोग, तो वो दौड़ पारे, तब फिर भाल पछला, तब फिर इन्हें उठा के लायन। काफी बड़ा भालू था। हाँ, बड़ा खाताई से दूठे तो आ रहा है। अच्छा, दूठे रहा भाल भुलनी है, मतलब दो थे? हाँ, दो थे। Oh my God. So guys, यहाँ पे जब ये घटना हुई थी तो दो भालू ने अटैक, दोनों भालू ने अटैक किया। हाँ, था दोनों भालू ने अटैक किया था। तो मतलब खाया, मतलब यहाँ से मार के, अरे यहाँ को रखा है, ये भालू पिया, ये भालू पिया और यहाँ पर रहा है, यह गड्ढा कर दाई। हाँ, भालू के यहाँ सर जी, और यह भाल के, इन भालू के आए, इन पूरा भालू के आए, और यह हाँ, यह पूरा, यह सब भाल, भालू के यहाँ सर, इन भालू के आए। हाँ, सो यहाँ पे दो भालू ने इन पर अटैक किया था और ये आप देख सकते हो इनकी हालत कैसे थी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप प्लीज़ उन पे कॉल करके इन लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं प्लीज़ मदद जरूर करिएगा। अभी भी दर्द रहता है मुँह पे, पूरा दर्द रहता था, गोली दवाई। टाइगर ने एक जगह से मारा है और दूसरे साइड से भालू ने मारा है, ऐसा केस आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, एक ही इंसान पर टाइगर ने यहाँ से मारा है, भालू ने यहाँ से मारा है, और फिर भी आज भगवान की दुआ से जब तक ऊपर वाला चाहता है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये आज मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन आज के टाइम में भी अभी भी आप जाते हो उस जंगल में जहाँ पे ये भालू और टाइगर ने अटैक किया, ये अभी भी जाते हो? अब कहाँ बोला वो हुआ इसे कि अब कहाँ गए थे, कहाँ पूछ, जैसे अपना जैसे पूछ, वह मेरे वो पूछ जानते हैं, बताया मेरे बता के खेत गए थे, एक छोटे छोटे झाड़ रहा हुआ मैं छुप कर आया था, और नहीं जान पाया कि कहाँ कैसे कहा छुप का है, आके कूद पाए। नाक के यहाँ पे भी अटैक हुआ है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है क्या? कहीं कहीं होता है सर, परेशानी तो सब है, बोलने वा है, खाने वा है। अब खाने में यहाँ के दांत नहीं है, नहीं है यहाँ के दांत, नहीं पूरा यहाँ के दांत नहीं है, अब उनको चबाने में भी प्रॉब्लम है, पानी पीने में या चबाने में काफी दिक्कत आती होगी, ये नोज का जो पार्ट है काफी डैमेज हुआ है, तो सांस लेने में भी काफी बीच में दिक्कत होती है इनको। आप रोइए मत, प्लीज़ रोइए मत, आप सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हम मदद करेंगे, ठीक है, और ये वीडियो आगे तक हमारी जनता लेके जाएगी और कहीं ना कहीं से आपकी मदद ज़रूर होगी। और चिंता नहीं ये है कि जो कुछ करने को आता हूँ
जो थोर को होते लड़के बच्चे लोग करते हैं तो सब दवाई में लग जाता है, गरीब आदमी तो सब सब ही चला जाता है मेरा, खाने के सुख से खाने पीने ना लड़का नहीं पाते हैं ना वही खाने पीने सुख से पाते हैं, अब जो लगता तो है बारह महीने तीसरे दिन दवाई वो दवाई, तो एक तो गरीब पैसा हो कुछ हो तो साहस हो जो कमाते हैं वो सब दवाई में चला गया, और यहाँ खाने पीने का बड़ा दुख दुख ऐसे लगता है कि सेहत का भोलेनाथ बचाए ये देखो ले जाए गए होते दिखाई ले हो ठीक रहता, अब हाई और कौन काम का और यहाँ न कुछ जो घर में है वो भी परेशान दिक्कत जाता है। अभी तक आपकी कोई मदद करने के लिए आया है यहाँ पे? कभी नहीं कभी नहीं कोई नहीं मदद ना मदद वो हल्केदारी रंजर साहब जंगल विभाग का मैं जरूर मानता हूँ कि मेरे लिए भगवान है, जंगल विभाग जैसे सुनता है वैसे दौड़ के गाड़ी में लाद के जितना सेवा हो सकता है उन्हीं के भरोसे जिंदाबाद, और अभी जिंदाबाद हूँ पर दवाई के लिए जिंदाबाद दवाई में टंगा हूँ सर, और दवाई यहाँ कुछ कर नहीं पाता हूँ कि कुछ कर लूँ तो मजदूरी तक दवाई नहीं चले, ये जो घर के हैं बालक लोग करते हैं वह दवाई वह दिक्कत है, और नहीं तो परेशानी खाने पीने में सब में तकलीफ है, एक तो पैसे की दिक्कत ऊपर से ऐसी हेल्थ जहाँ पे बॉडी साथ में नहीं दे रहा है, ऊपर से इनको रोज रोज अपनी बकरी चलाने के लिए उसी खतरनाक जंगल में जाना पड़ता है जहाँ पे ये दोनों अटैक हुए, और आखिर में के भरोसे जीता हूँ सर बकरी के भरोसे, पैसा नहीं है तो ले बकरी एक को बेचा एक को दवाई लाए, बकरी बेच के इनको अपनी दवाई की जो जरूरत है वो पूरी, इसलिए रखा बकरी मेरे को तो कहे तो जंगल का भी लगा पर क्या करूं, जरूरत है इनकी। ठीक है दोस्तों तो प्लीज यार मदद जरूर करना यार दोस्तों, प्लीज कैसी भी मदद करो, छोटा मोटा कैसे भी मदद करो, मदद जरूर करना प्लीज यार, हमसे जो बनता है वो मैं जरूर करूंगा अभी, लेकिन जो आपसे बनता है अगर नहीं भी कर पाते तो वीडियो शेयर जरूर कर देना, कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, शेयर जरूर कर देना भेज देना ताकि किसी और के पास जाए वो मदद कर दे, ज्यादा कुछ नहीं मांगता यार इनसे, इन लोगों की अपनी घर चलाने के लिए दवाई के लिए ताकि ये जिंदा रहे, इंसानियत है हमें यार इंसानियत है, इसलिए मैं आज के डेट में इतने दूर इस जंगल के बीच में आया हूँ, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे जो लोग हैं जिन पे जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जिनके बारे में मैं पता कर सकता हूँ और आप लोगों के पास तक ये वीडियो लेके आ सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ, अपनी इंसानियत दिखा रहा हूँ, पर आपका कर्तव्य यह है कि दोस्तों ये वीडियो आगे तक शेयर करें और इन लोगों की मदद करें, इनकी एक एक आंसू जो अभी गिरी है तो कसम से यार दिल पे छूने वाली चीज है, मेरे को बुरा लग रहा है शायद से मैंने वो पुरानी चीजें छेड़ दी जिस कारण से इनके आंसू निकले, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे जाके अच्छा रूप लेगा, ये वीडियो आगे जब जाएगी तो लोग इनकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं से ये आगे जाके ये सुधार हो या इनकी कोई मदद मिल पाए। फोन नंबर ले लिया मैं, फोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज फोन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बड़े भाई का नंबर दे दूंगा क्योंकि ये इस्तेमाल करना जानते नहीं है, तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, इनके बड़े भाई को जो नंबर दूंगा उन पे कांटेक्ट करिएगा और इनकी जरूर मदद करिएगा। टाइगर ने पंजा मारा था और ये इनके जबड़े पे मारा था, यहाँ की हड्डी तोड़ दी थी, और यहाँ पे कुछ साल पहले स्लॉथ बियर ने इन पर यहाँ से अटैक किया था, तो ये पूरा मुंह खा लिया था इस बियर ने, और ये पूरा सर जो है आप देखोगे ये पूरा सर यहाँ से खा लिया था बियर ने, हाथ में भी जख्म है, हाथ में भी टाके लगे हैं और काफी सारे पंजे को निशाने, पैरों में भी है, पैर में भी है। सो गाइस ये भालू ने खाया था यहाँ पे, इंसानियत अभी तक खत्म नहीं हुई है बाबूजी, इंसानियत अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तक आपने किसी ने आपकी मदद नहीं करी है, अब मदद होगी कहीं ना कहीं से मदद होगी, हमने जैसे करी है ऐसे लोग और भी आके आपके मदद करेंगे, ठीक है, आप भगवान पे भरोसा रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जंगल जाए थोड़ा सतर्क रहे और किसी के साथ में जाए, आप अकेले ना जाए, प्लीज दवाइयां जरूर लीजिएगा इसके, ठीक है दवाइयां जरूर लीजिएगा, अपना सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी नहीं सर मेरा तो दवाई जिंदगी नहीं, गोली दवाई तो जी आ रहा है आप भगवान मेरे यहाँ पे, नहीं नहीं आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए हमारा कर्तव्य था हमने निभाया, बाकी अब जनता देखेगी वो आप लोग की मदद करेगी। ये इनका घर है जहाँ पे ये रहते हैं, बहुत ही सुंदर सा घर है।
दोस्तों हम यहाँ से विदा लेते हैं, अब हमें जाना है दूसरे और अलग लोकेशन पे जहाँ पे टाइगर ने अटैक किए। वो लोकेशन अगले ब्लॉग पर आपको दिखाऊंगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज शेयर कर देना यार, लाइक करो या ना करो शेयर जरूर कर देना यार दोस्तों, और हो सके तो इनकी मदद जरूर करना। थैंक यू सो मच।